ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 37। सो इट सेज लोकेट द इमेज फॉर्मड बाय रिफ्रैक्शन इन द सिचुएशन शोन इन फिगर। ओके सो दिस फिगर इज गिवन। सो हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनेगी। सो देखो, इस तरह से हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस गिवन है एंड ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सेस है, समथिंग लाइक दिस, राइट। एंड इस स्फेरिकल सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सच दैट ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। एंड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कहीं पे रखा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है स्फेरिकल सरफेस से वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। नाउ आप देखो कि हमें ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इस स्फेरिकल सरफेस से होगा। इस तरफ जो मीडियम है, मीडियम ए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और इस तरफ जो मीडियम है, मीडियम बी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, राइट। सो जो रेज आएंगी वो किस तरह से आएंगी, इस तरह से आएंगी, इस ऑब्जेक्ट से इस तरह से रेज आएंगी, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो ये जो स्फेरिकल सरफेस है जिससे रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे हम ओरिजिन लेते हैं, एंड इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव होता है, एंड उसका जो अपोजिट डायरेक्शन होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट वाला डायरेक्शन आपका नेगेटिव होता है। सो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर। इसका यूज करो। म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रेज जा रही हैं। सो मीडियम बी में रेज जा रही हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, सो इट विल बी 1.5 डिवाइडेड बाई वी, इमेज का लोकेशन जो कि हमें फाइंड आउट करना है, वी माइनस म्यू वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से रेज आ रही हैं। सो देखो, मीडियम ए से रेज आ रही हैं उसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो 1 है, डिवाइडेड बाई यू, ऑब्जेक्ट का लोकेशन। सो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है सरफेस से वो कितना है, 25 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो इट विल बी माइनस का 25, दैट इज 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेस। ना इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और कितना है, 20 सेंटीमीटर, सो इट विल बी प्लस का 20। सो इसको सॉल्व करो, 1 बाय 1.5 डिवाइडेड बाय वी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाय 25, दैट इज बेसिकली 0.5 डिवाइडेड बाय 20। सो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सो 1.5 डिवाइडेड बाय वी, दैट इज बेसिकली 1 बाय 40 माइनस 1 बाय 25। सो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय वी। सो यहाँ से जो वी की वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज 1.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 15, और एक माइनस साइन, सो इट विल बी 10, और ये एक जीरो कैंसिल, सो वी की वैल्यू कितनी है, माइनस 100 सेंटीमीटर। रे डाइग्राम में अगर हम देखें, सो माइनस 100 मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में 100 सेंटीमीटर। सो नेगेटिव डायरेक्शन में 100 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपके 100 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपके पास यहाँ पे इमेज बनेगी। सो रे डायग्राम किस तरह से दिखेगा, रे डायग्राम यहाँ से जब रिफ्रैक्शन होगा ना, तो देखो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को सरफेस से ज्वाइन करेंगे तो हमें नॉर्मल मिलेगा। अब जो रे है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, तो इस तरह से बेंड होगी, और ये जो होगी ये पीछे जाके यहाँ पे कहीं पे मिलेगी, राइट, काइंड ऑफ वर्चुअल इमेज बनेगी। इसी तरह से ये वाली जो रे है ये इसका नॉर्मल हो गया, और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करो और ये पीछे जाके यहाँ पे कहीं पे जाके मिलेगी, इमेज बनेगी कितने, माइनस 100 सेंटीमीटर पे। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।